एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हैप्पी सैटरडे। आज ही सैटरडे सुबह का बज रहे हैं 8। बहुत टाइम से मैं आप लोगों के साथ इस समय से बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि सुबह का जो शेड्यूल होता है ना, बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों के साथ मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली मैंने अभी स्टार्ट किया है ब्लॉग, और 7:30 बजे उठी थी, हाफ एन आवर के लिए बैठ गई थी लैपटॉप लेके, क्योंकि आप सभी लोगों का कल का जो ब्लॉग था, मेरा हस्बैंड का बर्थडे वाला ब्लॉग, उसका बहुत सारे विशेस आया था, उनको रिप्लाई वगैरह दी। उसके बाद थोड़ा सा पानी वानी पी, बट मेरा जो ड्रिंक है मैंने अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था। पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह से मन नहीं हो रहा था, तो सिर्फ मैंने गर्म पानी पी लेती थी कभी कभी। जो तांबे का वाटर है, तांबे का पानी जो है, तांबे के जग में मैं रात भर पानी रख देती हूँ, तो सुबह पी लेती हूँ, तो बहुत अच्छा होता है वो डाइजेस्ट के लिए। तो वो पानी पी, और अभी जाऊंगी ड्रिंक बना के पीऊंगी। सारे लोगों के लिए ब्रेकफास्ट भी मुझे बनाना है और लंच भी मुझे बनाना है। आज मैं लंच थोड़ा सा जल्दी बनाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत पहले बता रही थी कि रुचि एक है, मेरे नेबर है, नेबर तो नहीं है, सोसाइटी के अंदर ही वो रहते हैं, वो फर्स्ट फ्लोर में एक्चुअली रहते हैं। तो उनका परसों एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका जो भैया है वो गए हैं, अपने घर पे गए हैं, तो उड़ीसा गए हैं वो, और वो यहाँ पर अकेली थी, यहाँ आने के टाइम पर स्कूटी में ऑफिस से आ रही थी, तो एक कार कुछ लग गया, तो इसके वजह से थोड़ा सा उसका एक्सीडेंट हो गया है, और जो लिगामेंट है थोड़ा सा वो स्ट्रेच हो गया है। तो इसकी वजह से खाना पीना सब कुछ हम लोग ही कर रहे हैं। तो कल मैंने डिनर देके आई थी, और लंच जो है स्मृति दीदी उनको दे दिए थे, तो मैंने उनको बोला कि लंच मैं आज ही दे दी थी, सैटरडे का लंच है मैं दे दूंगी। तो इस तरह से ही थोड़ा सा उनको हेल्प हो जाए, क्योंकि वो बिल्कुल भी उठ नहीं पाती है, तो वॉशरूम वगैरह जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कभी कभी होती है। तो दिन भर वहाँ पर कल मैं बिजी थी, इसकी वजह से कुछ ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई थी। तो मैंने सोचा कि सुबह का टाइम का थोड़ा सा मैं फ्री होती हूँ, तो सुबह सुबह ब्लॉग जो है स्टार्ट कर लेते हैं। बस ये छोटा सा अपडेट था। और बाहर का जो आज क्लाइमेट है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा धूप तो होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइटिंग लग रहा है। 8 बजे से इतना ज़्यादा लाइटिंग कभी नहीं होता है। तो चलिए, ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगी, स्टार्ट करते हैं मेरा आज का सुबह का रूटीन। सर पे मैंने बहुत सारा ऑयल लगा के रखा है, क्योंकि मैं हेयर वॉश करूँगी, तो इसकी वजह से बहुत से चुपके चुपके लग रहा है। तो रात को मैंने लगा के सोई थी, और इस तरह से बन बना लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा मुंह जो है इतना ज़्यादा फूला फूला लग रहा है, और बाल जो है पूरा छुपके छुपके लग रहा है। तो जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि सुबह सुबह का हालत नहीं होता है कि पूरा मेकअप सेकअप करके आपके सामने आऊँ। तो जिस तरह से हूँ उस तरह से हूँ, कुछ भी मेकअप वगैरह अपने फेस में नहीं है। मैंने फेस अभी सिर्फ वॉश करके आई हूँ, ब्रश करके आई हूँ। तो चलिए, अभी गर्म पानी पीऊँगी, गर्म पानी पीने के बाद आज ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी डोसा और चटनी बनाऊँगी। कल का करी जो है थोड़ा सा है, तो करी के साथ हो जाएगा। और यहाँ पर ना एक छोटा सा मिर्च का पेड़ है, सब्सक्राइबर ने मुझे पूछ रहे थे कि आपका जो मिर्च का पेड़ है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर, तो मुझे अभी मैं नहीं दिखा पाऊंगी, बस चढ़ के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा हाइट में है, तो इतना सारा मिर्च वहाँ पर आया है ना उस पौधों में, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना छोटा होके है, और बहुत सारा मिर्च आया। रैंडमली मैं कुछ डाल दिया था, तो आगे ये बहुत सारा मिर्ची, अगर हो सके तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कितना सारा मिर्च है, देखिए इसमें इतना सारा है, और यहाँ पर इतना सारा है, देख सकते हैं ना ऊपर, छोटी बहुत सारे हैं। और यहाँ पर एक करेला का जो आराम से ग्रो कर रही है, एक करेला हुआ है, ये भी अपने आप ही उड़ गई है। छोटा सा करेला हुआ है वहाँ पर, देख सकते हैं। मेरा हाथ अभी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि मैं नीचे खड़ी हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर है। अभी इतना ज़्यादा मैं प्लांट नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो धूप की वजह से ना सारे जो पौधे हैं वो जल जा रहा था, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो धूप को थोड़ा सा जाने दो, फिर मैं नया नया पौधा जो है वो लगाऊंगी। गुलाब की कुछ जो पौधे थे वो थोड़े थोड़े करके उनका जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई है। अभी सिर्फ ये जो हिबिस्कस का प्लांट है, मिर्च का पेड़ है, यहाँ पर जो व्हाइट कलर का कुछ फ्लावर है वो, तुलसी का बहुत सारा पेड़ है, मनी प्लांट, ये सभी है। ये एक मनी प्लांट मेरा है, पानी के अंदर ही इस तरह से ग्रो हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, जाते हैं, मैं बातें नहीं करूँगी।
तो यहाँ पर हो रही है डोसा की प्रिपरेशन, और बैटर जो है मैंने कल ही पीस के रखा था, तो यह बहुत अच्छे से फूल के फर्मेंटेड हो चुकी है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि डोसा जो बैटर होता है थोड़ा सा पतला होता है, तो इसी की वजह से आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। और आप अगर बाहर से भी बैटर लेते हो तो भी बैटर का जो थिकनेस है वो थोड़ा सा ठीक होता है, तो आपको पानी डाल के ही आपके हिसाब से जितना डोसा के हिसाब से आपको पतला करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना ये पतला हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही थोड़ा सा नमक डाला था, तो अभी मैं यहाँ पर नमक को स्किप कर रही हूँ, नमक यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। तो आज डोसा के साथ बनाऊंगी चना दाल की चटनी, और ये जो चना दाल की चटनी है, आप अगर उड़ीसा से हो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक फेमस उड़ीसा की चटनी है। जिस तरह से साउथ इंडियन में बहुत अच्छे अच्छे चटनी बनाए जाते हैं, उस तरह से भी उड़ीसा भी कुछ कुछ चटनी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर मैं और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि पानी डालने के बाद डोसा का जो टेस्ट है थोड़ा सा नमक कम हो गया था, तो इसकी वजह से मैंने और थोड़ा सा यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। उसके बाद दूसरे साइड भी मैंने पैन चढ़ा दिया है, क्योंकि चटनी के लिए जो चना दाल होता है उसको मुझे अच्छे से भूनना है। तो डोसा मैं किस तरह से बनाती हूँ आज मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ रिक्वेस्ट था कि मैं डोसा किस तरह से बनाती हूँ, बैटर किस तरह से प्रिपेयर करती हूँ। तो ये नॉनस्टिक का तवा है, और तवे में मैंने पानी डाल देती हूँ। एक्चुअली गर्म होने के बाद आप जब भी डोसा बनाएंगे तो इस तरह से पानी तवे के ऊपर छिड़कने क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद आप इस तरह से स्पैचुला की मदद से डोसा के आकार के बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और अच्छे से राउंड शेप में हो गया है। मैं बिल्कुल भी पतला वाला डोसा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी जो थिक वाला डोसा है वो पसंद नहीं है। तो अभी इसको विद इन गुड एक हाफ मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ दूंगी, और दूसरी साइड में बनाती हूँ चटनी। तो चटनी के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ऑयल में मैंने डाल दिया है चना दाल। तो चना दाल को आपको थोड़ा सा भूनना है, ताकि वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, और इसका जो कलर है वो पूरा गोल्डन कलर का हो जाएगा, और इसमें बहुत अच्छे से एक फ्रेगनेंस भी आएगा। तो दूसरे जब मैं सेकेंड टाइम बनाई तो मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड की, आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑयल ऐड इसलिए की क्योंकि ऑयल ऐड करने से डोसा के जो लेयर होता है बहुत अच्छे से आता है, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगता है। तो इसकी वजह से मैंने दूसरे साइड ये थोड़ा सा ऑयल डाला है, और साथ ही साथ मैं चटनी के लिए जो लहसुन है उसको छीलकर तैयार करती हूँ, क्योंकि ये चटनी में हमेशा जाता है लहसुन, और इसमें नारियल का यूज़ नहीं होता है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नारियल डालने से क्या होता है कि एक साउथ इंडियन टच आ जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर साउथ इंडियन वाला जो चटनी है उसको नहीं बना रही हूँ, सिर्फ मैंने आज डालूंगी हरी मिर्च और लहसुन डालूंगी। तो लहसुन को क्या कर रही हूँ, इस तरह से तोड़ के ये ऑयल के साथ ही पका रही हूँ, ताकि लहसुन भी अच्छे से पक जाए, और दोनों का कॉम्बिनेशन का जो फ्लेवर आता है बहुत अच्छे से आए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो चना दाल है कितना अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, क्योंकि अच्छे से अगर सोख हो जाएगी तो ब्लेंड होने के लिए आसान होगा। तो अभी मैं इसको ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ, और अच्छे से इसको फाइनली पेस्ट बना लूँगी। तो पेस्ट के साथ आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑलरेडी पानी है। अगर ज़्यादा पानी करूँगी तो काउंटर भी ख़राब हो सकता है, तो इसकी वजह से इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से प्रीवियस करके मिक्स करूँगी, उसके बाद में फाइनली पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा जो टर्मरिक
पल्प है उसको भी आप डाल सकते हैं, बट मैं इतना ज़्यादा प्रिफर नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसको सादा ही रखती हूँ। आप इसमें कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं, सूखी मिर्च को भी, जिस तरह से चना को फ्राई किए उसके बाद भी, चना दाल को अच्छे से फ्राई करने के बाद भी आप सूखी मिर्च को भी डाल सकते हैं। तो आप वेरियस वेरियस टाइप का चटनी भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हरी मिर्च को काट के ही डाला था, क्योंकि आंजल भी खाएगी तो इसके लिए मैंने इसको तीखा बिल्कुल भी नहीं बनाया है। और ये फाइनली पेस्ट हो जाने के बाद बिल्कुल भी लाइट येलो कलर में दिखता है, और उसके बाद में नमक डाल दूंगी। और चटनी होता है तो तड़का लगाना तो कंपलसरी है, तो इसको बेसिक तड़का में लगाऊंगी। सैटरडे स्पेशल ब्रेकफास्ट, और मैंने लिया है थोड़ा सा चटनी, डोसा लिया है और थोड़ा सा रात का करी लिया है। ये मैंने रात में बनाई थी तो बच गया था, तो इसलिए मैंने करी नहीं बनाई। ये था मेरा लंच की सब्जी, आलू के साथ स्प्रिंग ओनियन, बहुत इजी है, कभी आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूंगी। तो अभी नहा धो के यहाँ पर आई हूँ थोड़ा देर के लिए रेडी होने के लिए। एक्चुअली बहुत पहले नहा चुकी थी, बट मुझे लंच बनाना था और लंच के बाद खाना भी खाना था, और रंजल को सुला के मैं फिर यहाँ पर आई हूँ थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। और आजकल का बेंगलोर का क्लाइमेट बिल्कुल भी ठंडा हो गई है, तो पूरा हाथ मुंह सब कुछ मेरा फटा हो रही है, क्योंकि मेरा स्किन जो है वो ड्राई है, तो इसकी वजह से ड्राई स्किन टाइप के लिए मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिपस्टिक के साथ फेस को ग्लोइंग दिखा रही हूँ, क्योंकि फेस में तो कुछ भी नहीं है, अगर लिपस्टिक होता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। गुड इवनिंग, टाइम हो रही है 5:30, बाहर जो है बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, नज़ारा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया है। तो हेयर वॉश की थी तो इसकी वजह से हेयर अभी तक सूखा नहीं है, तो फिर से अभी थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वगैरह फेस में लगाई, क्योंकि नहाने के बाद लंच बनाना था, फिर इमिडिएटली हम लोगों ने खाना खाया, फिर मुझे कुछ कपड़े को फोल्ड करना था, कुछ मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ और कुछ बाकी है, तो ये काम अभी करूँगी। अंजल को दूध भी देना है, तो आप लोग देख सकते हैं हेयर जो है पूरा गीला है। तो बाहर जो है बहुत अच्छा लग रहा है, बट और जो प्लानिंग है सब कुछ चपट हो चुकी है, क्योंकि बारिश में हम लोग तो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही आज फिर से प्लानिंग हुआ। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी ग्रीनरी लग रहा है बाहर, क्योंकि बारिश जब हो जाता है ना तो नज़ारा बहुत सुहाना हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस और ज़्यादा ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि जितना एक्टिविटी दिखाऊँ ब्लॉग जो है लंबा होते जाएगा, तो इसकी वजह से ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और मेरा इरादा था कि सुबह सुबह अपना जो है ब्लॉग को स्टार्ट करना और आपके साथ मेरा जो ब्रेकफास्ट रूटीन है वो शेयर करना, तो उम्मीद करती हूँ ये जो ब्लॉग है आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो रेड कलर का बटन है उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।